क्या आपने आलू की खेती के बारे में सुना है और आलू की खेती कैसे की जाती है आपको पता है और आलू की खेती करके कैसे कमा रहे हैं लोग करोड़ों रुपए और आलू से चिप्स कैसे बनती हैं? तो आज के इस वीडियो में हम आलू की खेती से लेकर चिप्स कैसे बनते हैं उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो पोटैटो चिप्स बनाने की शुरुआत होती है खेतों में आलू की हार्वेस्टिंग करने से। दोस्तों आपको बता दें कि चिप्स के लिए केवल बड़े आलुओं को ही उगाया जाता है। अब इन सभी आलुओं को ट्रांसपोर्टेशन के जरिए फैक्ट्री में लाया जाता है और यहाँ पर इनको कन्वेयर पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर इनको डबल वॉश किया जाएगा। सबसे पहले इन आलुओं को पानी से भरे टब में धोया जाता है। पानी की स्पीड को बढ़ाने के लिए इसके अंदर एयर को डाला जाता है और फिर ऑटोमेटिक कन्वेयर के जरिए ये आलू दूसरी तरफ स्प्रे वॉशिंग के लिए चले जाते हैं। तो फाइनली अब ये अच्छी तरीके से साफ हो चुके हैं। तो अब इन आलुओं के ऊपर से इसके छिलके को निकालने के लिए आलू को ऑटोमेटिक पीलिंग मशीन में डाला जाता है जहाँ इसका सारा छिलका निकल जाता है। अब ये वर्कर इनमें से खराब आलुओं को अलग कर देते हैं। तो फाइनली अब बारी आती है इन आलुओं को स्लाइसिस में कट करने की, जिसके लिए इन आलुओं को एक एक करके इस स्लाइसर मशीन में डाला जाता है और इसकी अंदर घूमती हुई चार प्लेट आलू को खचाकर चिप्स के शेप में काट देती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक आलू से लगभग 36 चिप्स के स्लाइसेस काटे जाते हैं, यानी कि ₹5 इस पैकेट में एक आलू का भी चिप्स नहीं होता। तो अब ये सारे आलू कट चुके हैं। अब इनको एक स्पिनिंग मैरल में डालकर ठंडे पानी से धोया जाता है और उसके बाद इन चिप्स को एयर ब्लोअर के नीचे से पास कराया जाता है ताकि इस पर धूलते समय लगा पानी सूख जाए। अब यहाँ फाइनली इन स्लाइसेस को फ्रायर कंटेनर में डालकर चिप्स को फ्राई किया जाता है और फ्रायर में मौजूद तेल लगभग 190 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है जिसमें 3 मिनट तक चिप्स को फ्राई किया जाता है। उसके बाद ये चिप्स इस कन्वेयर बेल्ट पर चले जाते हैं जो कि चिप्स पर लगे एक्स्ट्रा ऑयल को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो अब बारी आती है चिप्स पर लगने वाले स्पाइसेस को बनाने की और यही वो प्रोसेस है जिसके कारण नॉर्मल पोटैटो चिप्स का स्वाद एकदम चटाकेदार हो जाता है। चिप्स के मसाले के लिए अलग अलग फ्लेवर के हिसाब से अलग अलग मसालों का चयन किया जाता है और ये सारे मसाले एकदम टॉप क्वालिटी के होते हैं। अब इन मसालों को भूनने के बाद इन्हें ग्राइंड कर लिया जाता है। अब फाइनली इन तैयार मसालों को चिप्स के साथ इस स्पिनिंग चैम्बर में डाल देते हैं और ये घूमते हुए अच्छी तरह हर चिप्स पर मसाले की छाप छोड़ देती है। और जब ये मसाला चिप्स के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाता है तो इसे बाहर निकाल लिया जाता है और फिर कन्वेयर के जरिए इन्हें पैकिंग एरिया में भेज दिया जाता है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन पैकेट के हिसाब से उसमें नाइट्रोजन गैस के साथ चिप्स को भर देती है और उसे सील कर दिया जाता है। ऐसे ही एक एक करके सारे पैकेट्स तैयार कर लिए जाते हैं और कुछ ऐसे चिप्स तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आपको आलू से चिप्स बनाने की प्रोसेस कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताना।